हार गया पाकिस्तान। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने आज कमाल बॉलिंग की है, 24 गेंदे फेंकी हैं, 15 पे एक भी रन नहीं बना, बाकी जो 9 गेंदे उन पर उन्होंने 14 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को घर भेजा जिसमें रिजवान की विकेट भी शामिल है और प्लेयर ऑफ द मैच। जीता वो मैच जब आप हार जाते हैं बड़ा दुख होता है। पाकिस्तान क्रिकेट की आज आखिरी दिन है, आज पाकिस्तान क्रिकेट दफन हो गई है यहाँ पर दुनिया में, मतलब एक और बार यार 120 डिफेंड नहीं कर पाई। सब अच्छा लग रहा था, 7 ही ओवर गुजरे, 13 ओवर हो चुके थे जब हमने प्रोग्राम जो था पहला खत्म किया था और उस वक्त जो एवरेज थी रिक्वायर्ड रन रेट 6.4 था। गया जीता हुआ मैच, हमारी इज्जत का जनाजा निकल गया है और बुल्लर लिपस्टिक मौलवी एक्टर कोटू रिजवान है। और उसके बाद जैसे ही वो एवरेज बढ़ना शुरू हुई लगा कि शायद इतना क्या ही मुश्किल सर पे आन पड़ी है अचानक से कि कुछ भी हो नहीं पा रहा। 12 घंटा जल्दी बचता है, हमारा घंटा जल्दी बचता है, ये बात तो भाई मुझे भी पता है। ये लड़के रोए, बाबर आजम रोते हुए दिखे, मोहम्मद आमिर रोते हुए दिखे। अगर आप इंडिया के खिलाफ 120 नहीं चेस कर सकते तो फिर आप क्रिकेट छोड़ दे। मैंने इंडिया की टीम को श्रीलंका को 75 पे आउट करते हुए देखा हुआ है, ठीक है। बुमराह को देखते ही तुम्हारे वर्ल्ड क्लास कप्तान का बल्ला हिल गया, हिला डाला उसने, गिरा डाला, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। अबे तू अपनी मर्जी की स्लो लो विकेट पे 120 चेस नहीं करेगा तो फिर क्या चेस करेगा घंटे के केक। बुमराह को देखते ही तुम्हारे वर्ल्ड क्लास कप्तान का बल्ला हिल गया, हिला डाला उसने, गिरा डाला, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। अबे तू अपनी मर्जी की स्लो लो विकेट पे 120 चेस नहीं करेगा तो फिर क्या चेस करेगा घंटे के किंग। निकला तुम्हारी मेरे घंटे के किंग के, गालियां बंद दो, आ जाओ तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमने पहले ही कहा था ये टांगे नामौलूद है, नाकाम है, इनमें एनर्जी कम है, ये दवाइयों पे चलने वाले, ये बैटरी पे चलने वाले नमूने है, ये जोकर है, ये डाबर है, ये डामर है, ये बाबर नहीं है। अबे ये तुम्हें चे बना के चला रहे थे ये पूरी कंपनी। सब अच्छा लग रहा था, 7 ही ओवर गुजरे, 13 ओवर हो चुके थे जब हमने प्रोग्राम जो था पहला खत्म किया था और उस वक्त जो एवरेज थी रिक्वायर्ड रन रेट 6.4 था। और उसके बाद जैसे ही वो एवरेज बढ़ना शुरू हुई लगा कि शायद इतना क्या ही मुश्किल सर पे आन पड़ी है अचानक से कि कुछ भी हो नहीं पा रहा। और स्पेशली उन लोगों से जो टीवी पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे बाबर आजम की कप्तानी के बारे में, आज जब उनको मौका मिला तो कुछ कर नहीं पाए। बहुत सारे और भी पहलू हो सकते हैं लेकिन जो अभी बहुत क्लियरली एक पहलू दिख रहा है वो है इमाद वसीम की बैटिंग। जब आए वो उस वक्त रिक्वायर्ड रेट 6.5 के करीब था और इतनी एवरेज बढ़ती चली गई, ना उनसे हिट हो रहा था ना उनसे भाग के रन लिया जा रहा था। हुआ क्या, कहाँ हम आखिरी 7 ओवर में इतने गलत हो गए कि हम 120 करा के भी 6 रन से मैच हार गए। इस पे बात करेंगे हम सलीम भाई और इंजामुल हक भाई ने हमें ज्वाइन किया है। इंजी भाई आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। इंजी भाई, एक मैच जो इतना ईजी दिख रहा था हमें, इतना ईजी तो चले हम नहीं कहेंगे क्योंकि ओपोजिशन भी तगड़ी थी, उनकी बॉलिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग थी, बट एक नामुमकिन चीज़ नहीं थी ये मैच जीतना। लेकिन फिर भी जब आपके बैटर्स इस तरह से थ्रो कर देंगे गेम तो आप कप्तान को फिर इल्ज़ाम नहीं दे सकते, फिर आप किसको इल्ज़ाम देंगे। देखिए गेम बिल्कुल ईजी था पाकिस्तान के लिए और बिल्कुल भी मैं ये इंडियन टीम को अगर कोई कहे ना कि क्रेडिट दूँ तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। ये मैं कहूँगा कि जी पाकिस्तान टीम का फॉल्ट था, ठीक है जी, जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है, इन्होंने किसी भी टाइम प्रेशर नहीं डाला उनकी टीम। मैं अगर थोड़ा सा पहले आपको चलूँ ना जी, ठीक है जी, जिस तरह 10 ओवर थे, 10 ओवर में उन्होंने 80 पे 3 विकेटें थी इंडिया की जी, हमारे 57 पे 1 विकेट थी। जिस टाइम 1 विकेट थी, आप विकेट पे खड़े थे, आपने क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जी आप थोड़ा सा तेज़ खेल लें, ठीक है जी आप है ना थोड़ा सा अच्छा करें, ठीक है जी जहाँ 6 रन की एवरेज थी तो 13 रन के बाद भी 6 से 6+ की एवरेज थी। एक तो ये वाली चीज़ है कि जी ये नोट करने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि जी इमाद वसीम का है कि जिस तरह वो खेला है कि जी मुझे हमें किसी टाइम लगा ही नहीं, अगर आपसे हिट नहीं लग रही तो आप आउट होके जा सकते हो कि वापसी किसी और को, अगर ऐसी नहीं कि जी हिट नहीं लग रही, टेल हैंडर नहीं हिट मार रहे थे। नसीम शाह ने आके 3 बॉलों पर 10 रन किए हैं, हाँ जी ठीक है ना, उसने आके हिट किया है, आप हिट तो करें, एटलीस्ट एफर्ट तो आपको नज़र आए ना कि कहीं कि जी एफर्ट हो रही हो, तो यहाँ तो मुझे बिल्कुल एफर्ट ही नज़र नहीं आ रही थी।
क्योंकि जी बिल्कुल कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, क्योंकि जी एंड में क्योंकि जी 6-7 रन की भी एवरेज चली जाए तो कोई इतना बड़ा ग्राउंड नहीं था, पिच पे कोई ऐसी मुश्किल नहीं हो रही थी कि आप कर सकते थे। कितनी दफा हुआ कि जी आपने 120 रन को डिफेंड किया हो, क्योंकि जी पाकिस्तान बॉलिंग ने जितनी मर्जी बड़ी अपोजिशन सामने हो, अगर आपके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कर गई है, आपने अपोजिशन को आउट कर दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी फिर आप उसको अंदर आने देते हैं। सो अब है ना, वैसे तो हमें अपने मुंह बंद कर लेने चाहिए कि जी हमारे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि जो आप पूछ रही हैं, ये तो हम अपनी एक चीज़ बता रहे हैं। 120 रन्स करने के लिए कितनी एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी एक सोच की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी मेरा मतलब है एक ज़रूरत पड़ेगी, मेरी ये समझ में नहीं आ रही है वाली बात। सलीम भाई, एक आपका मिडिल ऑर्डर रन अ बॉल पे मैच नहीं जितवा पा रहा आपको, रन अ बॉल, इट वाज रन अ बॉल। देखे, हम जितना क्रेडिट दें अपनी बॉलिंग को, हम बार बार कह रहे थे कि यहाँ सिर्फ अगर मैच जितवा सकती है तो हमारी बॉलिंग है, और उन्होंने जो वो कर सकते थे 120 पे 80 पे 3 आउट, 9 ओवर पड़े हुए थे, उनको रिस्ट्रिक्ट किया 120 पे। मेरे ख्याल जितना क्रेडिट देना चाहिए बॉलिंग को वो कम है। सेकंड, अब आपने, आपको याद होगा, आपने मुझे कहा कि हम मैच जीत गए हैं, मैंने आपको बार बार कहा था आखिरी बॉल तक आप डिसाइड नहीं कर सकती, ये मैच अभी बहुत पड़ा हुआ है, याद तो होगा। 70वें ओवर में ही समझ आ गई थी कि नहीं, अब उसके बाद ऋषभ पंत ने 42 किए हैं, ऋषभ को चांसेस भी मिला, लेकिन ऋषभ पंत ने 42 या वो करके टीम को एक ऐसी, ऐसे देखो 120 का टारगेट कोई इतना आसान टारगेट नहीं है। हाँ, आप किसी और पिच पे खेल रहे होते, मैं कहता 120 आराम से बांधिएगा। आप 120 इधर न्यूयॉर्क में बना रहे हो, इस पिच पे जहां बनता ही 120-25 में मैच आप फंसा सकते हो। आप कभी भी जसप्रीत बुमराह की स्किल पे शक नहीं कर सकते, आप अर्शदीप की स्किल पे शक नहीं कर सकते, आप जब जडेजा की स्किल पे शक नहीं कर सकते, ये आपको अब पता चलेगा। आपका बॉलिंग बेहतर, इंडिया की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग है टीम इंडिया की। एक बात तो ये ऐड, दूसरी बात जो ऐड करूंगा मैं, मोहम्मद आमिर, मैं मोहम्मद आमिर का बहुत बड़ा फैन, नो डाउट मोहम्मद आमिर को मैंने बुरा भला बोला था, लेकिन मैं तब बोला था कि भाई मोहम्मद आमिर अपनी स्किल पे बॉलिंग करता है ना जिस दिन, वो उससे बड़ा बॉलर कोई नहीं होता। एक बात तो ये है भाई, डिफिकल्ट रन चेज होगा, डिफिकल्ट रन चेज होगा, मैं लिख के देता हूं, डिफिकल्ट रन चेज होगा। टीम इंडिया को छोटी टीम समझते हो, टीम इंडिया को छोटा समझते हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक आपको बस मैं अपनी तरफ से एक देने लगा हूं, अगले मैचेस में जयसवाल से ओपन करवा के दुबे को बिठा के विराट को तीसरे पे खिला लो, बस ये काम कर लो, यकीन करो बड़ा साम सीध होगा। जयसवाल से ओपन करवाओ, दुबे से, दुबे को ड्रॉप करके आप जो है वो विराट को तीसरे पे खिलाओ, ये आप अपनी चेंज करो।